ने नया माइलस्टोन किया हासिल। अपनी किरदार अरमान के एक महीने पूरे होने पर फैंस को दिया एक नया तोहफा। आखिर शो के अंदर आने वाला है कौन सा नया ड्रामा? हेलो गाइस, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया जायसवाल और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर। ये रिश्ता क्या कहलाता है को लेकर एक महीने पहले बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई थी, जब शहजादा हमी और प्रतीक्षा होनमुखे को शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। पोरस फेम एक्टर रोहित पुरोहित ने शहजादा थामी को रिप्लेस किया और लीड एक्टर अरमान के तौर पर नजर आए। पहले तो शुरुआत में उन्हें काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन मिला। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि ये नया अरमान अभिना के एज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसके अंदर वो यूथ वाला लुक नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अरमान की यानी कि रोहित पुरोहित की एक्टिंग देखने के बाद फैंस ने उन्हें अपने दिल में जगह दे दी है। साथ ही साथ आज अब एक महीने पूरे हो गए हैं अरमान को। ऐसे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए रोहित पुरोहित ने अपनी इस जर्नी को अपने फैंस के साथ शेयर किया है और कुछ बिहाइंड द सीन्स के विजुअल्स उनके साथ शेयर किए हैं। साथ ही साथ शो के अंदर एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है जिसकी झलक भी उन्होंने साथ में एक छोटे से वीडियो के जरिए दिखा दी है। फिलहाल अरमान का सफर आपको कैसा लगा है? रोहित पुरोहित या फिर शहजादा धमी, आपके हिसाब से दोनों में से सबसे बेस्ट एक्टर कौन है अरमान के कैरेक्टर के लिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।